मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह मंत्री से मिलने पहुंचे दिल्ली। 8 दिन के अंदर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात के क्या है सियासी मायने, जानिए दोनों नेताओं के बीच किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 दिन के अंतर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। यह उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात को किरोड़ीलाल मीणा की स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच किरोड़ी की इस्तीफे को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दूं, भजनलाल सरकार ने अभी तक किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ीलाल मीणा को 5 जुलाई को दिल्ली बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उन्हें 10 दिन बाद दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी किरोड़ीलाल दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। हालांकि 16 जुलाई को सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। अमित शाह से इन मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 दिन के अंदर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अमित शाह को राजस्थान सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों से अवगत कराया। अमित शाह ने भजनलाल को नया भारत का नया राजस्थान बनाने के लिए सुझाव भी दिए। साथ ही दोनों नेताओं के बीच आगामी उपचुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे माना जा रहा है कि आगामी दिनों में मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट की। उन्होंने पाटिल को जल जीवन मिशन और पूर्वी राजस्थान का नहर परियोजना ERCP की जानकारी दी। इसी तरह भजनलाल ने केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भी भेंट की।